देश दुनिया के इतिहास में 9 मार्च का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन पत्रकार हरिशंकर शर्मा के निधन समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1776 में अर्थशास्त्र पर एडम स्मिथ की मशहूर पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन किया गया था। 1822 में आज ही के दिन चार्ल्स ए ग्राहम ने पहली बार नकली दांतों का पेटेंट कराया था। आज ही के दिन 1860 में जापान ने पहली बार अमेरिका में अपना राजदूत नियुक्त किया था। विख्यात भारतीय विधिवेत्ता और पूर्व महान्यायवादी सोली जहांगीर सोराबजी का जन्म आज ही के दिन 1930 में हुआ था। भूतपूर्व सोवियत संघ के विमान चालक और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन का जन्म आज ही के दिन 1934 में हुआ था। आज ही के दिन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने 5 दिनों की लड़ाई में बगैनविले में 700 अमेरिकी सेना पर हमला किया था। 1959 में आज ही के दिन दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बार्बी डोल ने न्यूयॉर्क के अमेरिकन टॉय फेयर में अपनी जिंदगी शुरू की थी। आज ही के दिन 1967 में सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना ने देश छोड़ा और नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पहुंचकर राजनीतिक शरण मांगी थी। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंगकार और पत्रकार हरिशंकर शर्मा का निधन आज ही के दिन 1968 में हुआ था। टाटा समूह और भारत के एक प्रशासक के साथ जुड़े प्रख्यात पारसी व्यापारी आर्मस जी पेरोसा मोदी का निधन आज ही के दिन 1969 में हुआ था। आज ही के दिन 1973 में उत्तरी आयरलैंड की जनता ने देश में हुए एक जनमत संग्रह में ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में वोट डाला था। लगभग 57% मतदाताओं ने ब्रिटेन के साथ रहने का समर्थन किया था। 1986 में आज ही के दिन सैटेलाइट आधारित पहला टेलीफोन संपर्क नेटवर्क औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। आज ही के दिन 1999 में भारतीय मूल के ब्रिटिश दिग्गज उद्योगपति स्वराज पोल को सेंट्रल बर्मिंगम विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। 2004 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले सतह तक मार करने वाले शाहीन 2 प्रक्षेपात्र का सफल परीक्षण किया था। आज ही के दिन 2005 में थाकसिन सिनवात्रा दूसरे कार्यकाल के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे। 2007 में आज ही के दिन ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों को भेदभाव वाले प्रवासी नियमों पर कानूनी कामयाबी मिली थी। आज ही के दिन 2008 में गोवा के राज्यपाल SC जमीर ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया था। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक जॉय मुखर्जी का निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।